हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नेटपैट के बारे में। तो जैसे हमने फर्स्ट नेट वीडियो में डिस्कस किया था कि नेटपैट एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने पूरे नेटवर्क को इंटरनेट का एक्सेस कर दे सकते हैं यूजिंग अ सिंगल आईपी एड्रेस। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेटपैट कॉन्फिगर कर दिया इस राउटर के ऊपर, तो इस पूरे के पूरे नेटवर्क को जितने भी यहाँ पे पीसी होंगे वो सभी के सभी इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हैं एक ही आईपी एड्रेस को यूज करके। मान लीजिए वो है 122.1.1। इसको कॉन्फ़िगर करने के दो मेथड्स हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे और अगर टाइम रहा तो इसी में ही सेकंड मेथड भी बनाएंगे, तो दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली कमांड है वैसे ही बिल्कुल एक्सेस लिस्ट, लिस्ट का नंबर और जिस नेटवर्क को आप इंटरनेट पे भेजना चाहते हैं। तो मान लीजिए वो 10 वाला ही रेंज है और पूरा का पूरा नेटवर्क हम भेजना चाहते हैं, तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क अगर हम डिफॉल्ट्स यूज कर रहे हैं, अदरवाइज जितने होस्ट को आप चाहते हैं सबनेटिंग करके आप इसको अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मिस कर गया, सॉरी, एक्सेस लिस्ट 1 और परमिट एंटर करते हैं। तो देखिए ये हमारी एक्सेस लिस्ट लग गई। इसके बाद सेकंड कमांड बिल्कुल उसी तरीके से, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल कमांड्स पहले मेथड में सेम है जो हमने डायनेमिक नेट में यूज की थी, बट एक सिंपल कमांड का फर्क है, एक सिंपल वर्ड का कीवर्ड का फर्क है जो हम यूज करेंगे। उसके बाद हम पूल बनाएंगे, आईपी नेट पूल और पूल का नाम, वही पूल का नाम रख देते हैं। उसके बाद उसका स्टार्ट आईपी एड्रेस 122.1.1.1। तो देखिए यहाँ पे जो चेंज है वो ये है कि यहाँ पे जो एंड आईपी एड्रेस हम डालते हैं वो हम इस पूल का डालते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे नेटपैड करना चाहते हैं, एक ही आईपी एड्रेस के थ्रू पूरा नेटवर्क को एक्सेस देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे जो स्टार्ट आईपी एड्रेस है उसी को एंड आईपी एड्रेस में डालता हूँ, 122.1.1। इसके बाद इसका नेट मास्क, तो नेट मास्क जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे डिफॉल्ट ले लेते हैं। इतना होने के बाद तीसरी कमांड जो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन करेगी, बिल्कुल वैसे ही देखिए यूज कर रहे हैं जैसे हमने डायनेमिक नेट में यूज किया था। तो यहाँ पे आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट और लिस्ट का नंबर, तो हमारे केस में लिस्ट का नंबर 1 है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लिस्ट का नंबर आप देंगे वही लिस्ट का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। और इसके बाद पूल, और जो भी पूल का नाम होगा वही पूल का नाम, अगर आपका डिफरेंट नेम है तो आप वही नेम डालिए। अब देखिए ये बिल्कुल वैसी ही कमांड है जैसे हमने डायनेमिक में यूज की थी, लेकिन अगर देखिए मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो एक और ऑप्शन है ओवरलोड। तो ओवरलोड लगा देने से हमारा नेट डायनेमिक नेट नेटपैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कीवर्ड है, ये सिस्को एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि किस कीवर्ड के साथ डायनेमिक नेट नेटपैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो और उसका आंसर है ओवरलोड। ओवरलोड ऑप्शन लगा देने से आप डायनेमिक नेट नेटपैट हो जाता है। तो मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो ये ओवरलोड कमांड लगाने के बाद मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड की भी कुछ कमांड्स लगानी पड़ेंगी। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि क्योंकि ये इनसाइड है तो यहाँ पे इनसाइड, और ये आउटसाइड है तो आउटसाइड कीवर्ड्स हम यूज करेंगे। तो देखिए मेरे को, मान लीजिए मैं इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0 में जाता हूँ जो कि मेरा लैन सेगमेंट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मेरे को कमांड देनी है आईपी नेट और इनसाइड। तो मैंने याद रखने का आपको मेथड भी बताया था कि जहां से पैकेट इन हो रहा है वो इनसाइड ले लीजिए और जहां से पैकेट आउट हो रहा है उसको आउटसाइड, या फिर ये आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड है तो आउटसाइड, और ये मेरा इंटरनल जो अंदर का एड्रेस है वो इनसाइड। तो अपना मेथड आप जैसे भी याद रख सकते हैं। इसी तरीके से इंटरफेस सीरियल 0/0/0 और उसके बाद आईपी नेट आउटसाइड। ये होने के बाद तो चलिए चेक करते हैं इसको पीसीज में जाके, कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने रॉन्ग एड्रेस दिया है, 10.20.30 हमें एड्रेस लगाना है। देखिए इससे कम्युनिकेट करने लग गया है। इसी तरीके से हम वेब ब्राउजर में जाके भी इसका एड्रेस डाल देते हैं, 204.10.20.30, तो वेब पेज भी ओपन हो गया है। और अब जाके इसको ट्रांसलेशन को चेक करते हैं। तो आप देखिए प्रोटोकॉल और उसके बाद हमारे आईपी एड्रेसेस प्लस पोर्ट नंबर्स, इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में सीखा कि नेटपैट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमने इसका एक मेथड देखा, दूसरा मेथड भी एक इसका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी इसको कॉन्फ़िगर कीजिए। तो दूसरा मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग। Thank you.